हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल चटपटा लाइफ। तो चलिए आज हम मिलके बनाएंगे दही आलू वड़े। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं और आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो ये परफेक्ट रेसिपी है। ये बहुत ही सिंपल और क्विक बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिए हैं 6 मीडियम साइज़ के आलू। तो इन आलूओं को अच्छे से हमें धो के प्रेशर कुक करना है। तो मैंने यहाँ पर इन्हें कुकर में डाल दिया है और इन्हें हमें लगभग 2 से 3 सीटी तक ही कुक करना है। लगभग 80% तक ही इन्हें हम पकाएंगे। तो आइए देखिए, 3 विजल बाद जो है हमारे आलू तैयार है। मैंने इन्हें छील लिया है। तो अब इन आलूओं को हमें ना तो मैश करना है ना इन्हें ग्रेट करना है। जस्ट इन्हें दोनों हथेलियों के बीच में ऐसे लेके हल्के प्रेशर के साथ दबा के वड़ों का शेप देना है, बिल्कुल जैसे हम आलू टिक्की बनाते हैं वैसे ही। तो मैंने इसमें कोई मसाले अभी तक कुछ भी नहीं ऐड किए। जस्ट बॉइल्ड आलू को लिया, दोनों हाथों के बीच में रखा और उसे हल्के से दबा के ऐसे शेप दे दिया। देखिए है ना कितना आसान, बिल्कुल ऐसे। तो चलिए मैं आपको और एक करके बताती हूँ। तो जस्ट आलू को आपको अपने हाथों के बीच में लेना है ऐसे, और हल्के प्रेशर के साथ उन्हें दबा के ऐसे शेप देना है। तो हम ऐसे ही सारे आलूओं के जो है वड़े बना लेंगे। है ना ये बहुत आसान। तो बस आलू को लेना है, दोनों हथेलियों के बीच में दबा के वड़ों की शेप देने हैं। तो अब ये तैयार है, चलिए नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे हमें कॉर्नफ्लावर की एक स्लरी बनानी है। तो मैंने यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल में 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाला। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो अब पानी मिलाते हुए हमें एक सेमी मीडियम कंसिस्टेंसी का बैटर बनाना है, जो ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना ज़्यादा पतला हो। तो आइए अब इसमें हम सीजनिंग मिलाते हैं। मैंने यहाँ पे आधा छोटा चम्मच नमक, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधा छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर मिलाया है। ध्यान रखिए हमने आलू में कुछ भी नहीं मिलाया था, जो भी टेस्ट आएगा वो इस स्लरी से ही आएगा। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं डालूंगी बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती। तो बस इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। तो अब हमारा जो ये लिक्विड का बैटर तैयार है और हमारे आलू बड़ी भी तैयार है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो मैंने यहाँ पे एक पैन में ऑयल लिया है शैलो फ्राई करने के लिए। आप इन्हें घी में भी बना सकते हैं। तो अब जस्ट हमें इन वड़ों को इसमें डिप करना है, अच्छे से कोट करना है और बस इन्हें शैलो फ्राई करने के लिए पैन में डालना है। तो देखिए जितना भी एक्स्ट्रा लिक्विड है उसे निकाल के अब इसे हम इस पैन में डाल देंगे। ऐसे ही सारे वड़ों को हम डिप करेंगे कॉर्नफ्लावर की स्लरी में और फिर फ्राई होने के लिए पैन में रख देंगे। अब इन्हें लगभग 30 सेकेंड के लिए हम नहीं हिलाएंगे, उसके बाद इन्हें हम अलट पलट करके अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक शैलो फ्राई करेंगे। देखिए इसमें हम डीप फ्राई भी नहीं कर रहे हैं तो इसमें तेल भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। अगर आप मेरे चैनल में नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और उस बेल बटन को हिट कीजिएगा ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए इन्हें अलट पलट करके अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई करते हैं। तो देखिए अब जो है हमारे ये आलू वड़े बिल्कुल अच्छे से ब्राउन होके फ्राई हो गए हैं। तो आइए इन्हें अब हम निकाल लेते हैं। तो अब जो है नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। मैंने यहाँ पे 1 कप फेटा हुआ दही लिया है, उसमें 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी मिलाई और आधा छोटा चम्मच सफ़ेद नमक और 1/4 छोटा चम्मच काला नमक।
तो इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। इसमें चीनी जो है ना पीसी हुई ही डालिएगा। तो आइए ये भी रेडी है। तो चलिए अब इसे हम असेंबल करते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो आलू बड़े डाले पहले। अगर आपको सिर्फ दही बड़े की जैसे इन्हें सर्व करना है तो सिर्फ दही, चटनी और मसाले डालिएगा, और अगर आपको चाट की तरह बनाना है तो उसमें आप ऊपर प्याज, धनिया पत्ती, बारीक सेब, अनार जो आपके पास अवेलेबल है उसे सजाइएगा। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर दही डाला पहले, फिर उसके ऊपर ग्रीन चटनी, आपको जितनी तीखी अच्छी लगती है आप उस हिसाब से डालिएगा, फिर इमली की मीठी चटनी। घर पे चाट बनाने का यही फायदा, आप उसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, आपको जैसी अच्छी लगती है, खट्टी मीठी। अब मैंने इसमें सेके हुए जीरे का पाउडर डाला, काला नमक और चाट मसाला और लाल मिर्च पाउडर, फिर बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक वाले सेब, और लीजिए हमारा आलू वड़ा चाट या आलू के दही वड़े, अब जो कहें, तैयार है। तो आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसी बनी। है ना बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी, और ये खाने में बहुत टेस्टी होती है। थैंक यू।